अस्सलाम वालेकुम क्लास, आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि हमारे पास सेट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, इस पे हमने देखना है सेट्स की बेसिक टर्म्स और उनके ऊपर जो ऑपरेशंस, हम यूनियन, इंटरसेक्शन, तो ये बेसिक हम उसके ऑपरेशंस देखेंगे। तो सबसे पहले सेट हमारे पास क्या होता है। बेसिकली जो सेट है वो वेल डिफाइंड कलेक्शन होती है ऑब्जेक्ट्स की। जैसे एक क्लास के स्टूडेंट्स हैं तो वो एक हमारे पास सेट बन रहा है स्टूडेंट्स का, ठीक है, क्योंकि हर जो स्टूडेंट है उसकी अपनी एक वैल्यू है और वो वेल डिफाइंड आपके पास एक कलेक्शन हो जाएगी ऑब्जेक्ट्स की। तो इसका मतलब हमारे पास जो सेट्स हैं बेसिकली वो क्या हो गए, a set is a well defined collection of objects, the objects which form a set are called its members or elements. वो objects जो एक set के अंदर मौजूद होते हैं उनको हम कहते हैं elements or members. the set of students in MTH 101C, तो मतलब ये एक आपके पास कोई भी वो बताया हुआ है कि इस क्लास के, तो the set of students in BS first semester, BS second semester, तो आपके पास जो स्टूडेंट्स हैं वो एलिमेंट्स और मेंबर्स होंगे और ये जो पूरा है वो एक सेट बन रहा है। नेक्स्ट मिलक द सेट ऑफ काउंटिंग नंबर्स लेस देन 10, कि हमारे पास एक ऐसा सेट जिसमें 10 से छोटे एक नंबर्स, काउंटिंग नंबर्स पड़े हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 10 नहीं है क्योंकि लेस देन 10 है जिसे हम काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है सेट्स की डिस्क्रिप्शन है, तो हम ये जो सेट्स हैं उनको दो वेज से डिस्क्राइब सब कर सकते हैं। किन वेज से, देयर आर टू वेज अ सेट मे बी डिस्क्राइब, नेमली लिस्टिंग मेथड से एंड सेट बिल्डर मेथड से। लिस्टिंग मेथड से, इन दिस मेथड ऑल और पार्शियल मेंबर्स ऑफ द सेट आर लिस्टेड। लिस्टेड में हम बेसिकली उसकी जो एलिमेंट्स के मेंबर्स हैं उनको डाल देते हैं किसी सेट में। जैसे मैंने कोई कहा कि अगर आपके पास आर विद अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, तो अब इसमें मैं, इसका मतलब है कि आर हमारे पास इक्वल होगा, कि उस जो नोटेशन दे दी ना, आर हमारे पास लेस देन 10 जो नेचुरल नंबर्स है उनका सेट है, तो आर को इक्वल हमारे पास क्या होगा, लेस देन 10 हमें पता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये हमारे पास एक लिस्टिंग उसको कर दिया, लिस्ट ब्रैकेट्स डाल के अंदर एलिमेंट्स लिख दिए जो हमने पहले डिस्क्राइब किया हुआ था उसको, तो ये हमारे पास लिस्टिंग, उसकी लिस्टिंग मेथड हो गया। सिमिलरली अगर हम लेते हैं एच बी द सेट ऑफ काउंटिंग नंबर्स लेस देन 1000, तो अब इसमें पता है 1 2 3 2, लेस देन 1000 तो 999 तक आ गया, तो अब ये इसको मतलब हमारे पास ये क्या है बेसिकली पार्शियल, इसको लिस्टिंग कह दिया, कि एक तरह से आप ये समझ लो कि हम जो लिस्टिंग मेथड है उसी को पार्शियल लिस्टिंग कह देते हैं, क्योंकि हम उस पे से कुछ मेंबर्स उठा के उस सेट में उठा डाल रहे होते हैं। सिमिलरली नेक्स्ट है लेट एन बी द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, तो इसमें 1 2 3, तो ये भी हमारे पास एक पार्शियल लिस्टिंग होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास जो एम्प्टी सेट है वो क्या होता है। तो कोई भी सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, खाली हो, जो एम्प्टी का मतलब भी खाली होता है, सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट और नल सेट। इसके लिए नोटेशन हम यूज करते हैं ये, और ये एम्प्टी डिनोट्स एम्प्टी सेट। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 1, अब हमें पता है जो नेचुरल नंबर है वो बेसिकली होते हैं कुदरती अदाद का सेट। जो नेचुरल नंबर्स हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं, इसमें 1 से नीचे कोई वैल्यू पड़ी ही नहीं होती। तो जब उसने कहा द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 1, तो इसका मतलब है बेसिकली वो जो सेट है वो एम्प्टी है, क्योंकि हमें पता है 1 से छोटा कोई नेचुरल नंबर होता ही नहीं है। दूसरा मेथड हमारे पास जो सेट्स को डिनोट करने का होता है वो सेट बिल्डर मेथड है। इसमें हम उसको ना मैथमेटिकली डिस्क्राइब कर देते हैं सेट की फॉर्म में। इन दिस मेथड द सेट इज described by listing the properties that describe the elements of the set, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एस बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, द यूजिंग सेट बिल्डर एस कैन बी डिस्क्राइब इट।
अब हमें पता है कि एक्स कोई भी स्टूडेंट है किसी क्लास के अंदर, तो वो आपके पास ये होगा एक्स, कि वो हमें कहा एक्स इक्वल है एक्स, ठीक है, एक्स कोई भी नोटेशन है किसकी, सच डेट एक्स इज स्टूडेंट, वो जो एलिमेंट्स हैं उनकी, एक्स इज स्टूडेंट इन दिस क्लास, वो नोटेशन दे दी कोई भी, आप इसमें कुछ भी ले लो, इन बी एस फर्स्ट, इन बी एस सेकेंड क्लास, इस पे एक्स वो आएंगे जो एक्स इस क्लास को बिलोंग कर रहे होंगे, क्योंकि हमें पता है सेट है स्टूडेंट्स की इस क्लास में। जब हमें पता है कि ऐसा आपके पास सेट ऑफ स्टूडेंट्स है इन दिस क्लास, तो हम उसको सेट बिल्डर नोटेशन में कहते हैं कि एस इक्वल है एक्स सच डेट आपके पास एक्स कोई भी स्टूडेंट है क्लास के। इसी तरह अगर आप एन भी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लो, तो उसको आपने जब उसमें डिस्क्राइब किया एक सेट बिल्डर फॉर्म में, तो आपने कह दिया कि जो एक्स उसकी कोई नोटेशन, अब इसमें एन ले लिया, आप एक्स भी दोबारा ले सकते हो, एन इक्वल टू एन सच डेट एन इज अ नेचुरल नंबर, ये सेट बिल्डर फॉर्म होगी। नेक्स्ट हमारे पास नोट है, सेट बिल्डर फॉर्म हैज टू पार्ट्स। तो बेसिकली जो आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म है इसके दो पार्ट्स हैं, अ वेरिएबल एक्स एन एटसेट्रा रिप्रेजेंटिंग एनी एलिमेंट्स ऑफ द सेट, कोई भी वेरिएबल एक्स एन जो आपके पास रिप्रेजेंट कर रहा हो किसी एलिमेंट सेट के किसी एलिमेंट्स को, आप प्रॉपर्टी विच डिफाइंस द एलिमेंट्स ऑफ द सेट, कि हम इसमें जो सेट बिल्डर फॉर्म में ये कोई नोटेशन यूज कर सकते हैं, एन एक्स और एन जो एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रही होंगी सेट के, जैसे हमने यहाँ की, तो हमारे पास साथ इसमें जो सेट बिल्डर में कोई भी प्रॉपर्टी होगी जो एलिमेंट्स को डिफाइन करी होगी, जैसे यहाँ एक प्रॉपर्टी थी कि वो आपके पास स्टूडेंट्स हैं और यहाँ प्रॉपर्टी थी कि वो एक नेचुरल नंबर है। नेक्स्ट अब हमारे पास ये आपको उसका थोड़ा कंपेयर करके आपको सेट बिल्डर और पार्शियल लिस्टिंग का बताया गया है। तो अ सेट कैन बी डिस्क्राइब्ड यूजिंग द लिस्टिंग और सेट बिल्डर मेथड। फॉर एग्जांपल कंसीडर द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स n इक्वल टू 1, 2, 3 सो ऑन, तो ये हमारे पास है पार्शियल लिस्टिंग, ठीक है। नेक्स्ट हमने अभी पार्शियल लिस्टिंग करके नेक्स्ट कैपिटल n इक्वल है n सच दैट n इज अ नेचुरल नंबर, अभी इसको एक नोटेशन दे के साथ उसकी प्रॉपर्टी डिस्क्राइब कर दिया, तो ये सेट बिल्डर मेथड हो गया। नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल है डिस्क्राइब द फॉलोइंग यूजिंग सेट लिस्टिंग मेथड इफ पॉसिबल। अब P हमारे पास ऐसा सेट है, ये सेट बिल्डर फॉर्म ली है और आपको कहा गया है कि आपने इसको लिस्टिंग मेथड में करना है, तो n सच दैट n इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 8। अब हमें पता है कि इसको लिस्टिंग मेथड में लिखना है, तो इसमें हमारे पास एलिमेंट्स आ जाएंगे लेस देन 8 ले रहे हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। नेक्स्ट है s इक्वल टू x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर हूज स्क्वायर इज लेस देन 25। क्या है इसमें हमारे पास वो नेचुरल नंबर हैं जिनका हम स्क्वायर लें तो वो हमारे पास 25 से कम आते हैं, और स्क्वायर अब फॉर एग्जांपल ऐसे 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है, 4 का स्क्वायर 16 है, 5 का स्क्वायर 25 है, 6 का स्क्वायर 36 है। अब हमने उसने मतलब हमें ये कहा है कि वो सेट में आपने एंट्रीज डालनी है जिनका स्क्वायर लेके 25 से छोटा आता है, तो हमें पता है अगर 1, 2, 3, 4 इन तीन चार एलिमेंट्स का आप स्क्वायर ले हो तो वो 25 से छोटा आता है, तो हम इस एलिमेंट इस सेट में हमारे पास आ जाएंगे 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट अब हमारे पास है r इक्वल टू x सच दैट x इज अ रियल नंबर बिटवीन 0 एंड 2। अब हमें पता है कि वो कह रहा है कि x आपके पास रियल नंबर है 0 और 2 के दरमियान, तो आप इसमें रियल नंबर्स को, तो हमें पता है कि वो ऐसे नहीं होंगे कि आपके पास 1, 2, 3 जैसे नेचुरल नंबर जैसे होल नंबर है 0, 1, 2, 3। रियल नंबर्स तो 0 और 2 के दरमियान भी बहुत सारे पड़े होंगे, ठीक है। तो आप जब इसको वो लिस्टिंग से डिस्क्राइब करोगे तो आपको कि एक्स सच डेट एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 2, क्योंकि 0 और 2 के दरमियान तमाम रियल नंबर्स पड़े हैं। अगर आपके पास नेक्स्ट नोटेशन, अगर ए किसी सेट का एलिमेंट है तो उसे हम कहते हैं ए बिलोंग करता है इस सेट को, अगर ए किसी एलिमेंट किसी सेट का एलिमेंट नहीं है तो हम कहते हैं ए डज नॉट बिलोंग टू दिस सेट। लेट एस इक्वल टू दिस, और हमें पता है ये जो 9 इसको बिलोंग कर रहा है, तो वी से दैट 9 बिलोंग्स टू एस, और एंड वी नो दैट 0 डज नॉट बिलोंग टू दिस सेट एस, तो हम कहते हैं 0 डज नॉट बिलोंग की ये नोटेशन एस। नेक्स्ट हमारे पास इक्वल सेट्स हैं, उसके बाद हमारे पास सबसेट्स आते हैं, तो ये चल सारी चीज़ें भी हम देखेंगे। सबसे पहले हम फिलहाल देखते हैं इक्वल सेट्स। तो इक्वल सेट्स हमें पता है टू सेट्स आर सेट टू बी इक्वल इफ दे कंटेन द सेम एलिमेंट्स, कोई भी जो दो सेट्स हैं वो इक्वल होंगे कब,
अगर वो आपके पास सेम एलिमेंट्स कंटेन कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ए में ए बी सी डी है, बी में अब आपके पास अरेंजमेंट चेंज हुई है, एलिमेंट्स वही पड़े हैं, डी बी सी ए, ये हमारे पास इक्वल सेट्स हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट, अगर एम इक्वल नहीं द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स 1 through 10, द सेट पी द सेट ऑफ काउंटिंग नंबर्स लेस देन 101, नेक्स्ट हमारे पास है एन, तो हमारे पास ये जो एम और पी है, अब हमें इसमें पता है कि इसमें भी हमारे पास 1 to 100 एलिमेंट्स पड़े हैं, इसमें भी 1 to 100 पड़े हैं, तो ये हमारे पास क्या है, इक्वल सेट्स। तो इसको आप लोगों ने देख लेना, इस जितना ये आपको जहाँ चीज़ें बताई गई है, इसमें कोई भी इशू हो, कुछ भी आप लोगों ने पूछना हो तो आप लोग डिस्कस कर सकते हो मेरे साथ।